अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जी एस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.10, उसका क्वेश्चन नंबर 1। U इज इक्वल टू दिस ए बी सी डी, ये उसने 4 सेट आपको दे दिए और एक U का सेट दे दिया है। देन वेरीफाई द फॉलोइंग, फिर कहता है आपने इसको वेरीफाई करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, ये आपने इसको प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको आप सोल्व करें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? यू, यानी कि यू वाला सेट। अब यू वाला सेट कौन सा आपके पास? ये, यानी ये आंसर आना चाहिए आपका। तो इसको हम सोल्व करेंगे, अगर तो हमारा आंसर ये आता है यू के बराबर, तो हम उसको फिर वेरीफाई कर देंगे कि ये दोनों इक्वल है। वेरीफाई हो चुका है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए ए का सेट हमारे पास गिवन है, ये रहा। उसके बाद यूनियन, यूनियन तो यूनियन आ जाएगा। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम इसमें ए कॉम्प्लीमेंट को गिवन करेंगे। इधर आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब भी कॉम्प्लीमेंट का साइन आए तो आपने इसको u माइनस कर देना। कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म करने के लिए u माइनस, आगे जो इधर सेट होगा वो a। ठीक है, अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे u माइनस a। u का सेट आपके पास ये है, a का ये है, तो पहले u का सेट लिखेंगे। u का सेट 0 से स्टार्ट हो रहा है जी, 0 1 2 3 इस तरह आगे कहाँ तक जाएगा? 25 तक। ठीक है, उसके बाद माइनस आ रहा है, आप माइनस लिख देंगे। आगे ए सेट है, ए आपके पास ये है 13 5 7 9 21 24 ये जी। अब आपने इसमें से इसको माइनस कर देना है, यानी इस सेट में ये जो नंबर्स आएंगे वो आपने काट देने हैं और बाकी जो इसमें से बचेंगे वो इधर लिख देने हैं आपने। तो आप इसको कैसे फिर लिखेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हाँ देखिए 0 इधर है लेकिन उधर नहीं है, इसलिए वो नहीं कटेगा, इसको हम लिखेंगे। 1 इधर है, 1 तो इधर भी मौजूद है, इसलिए 1 फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 इधर है लेकिन उधर नहीं है, इधर हम लिख लेंगे। उसके बाद इधर 4 है लेकिन उधर नहीं है, ठीक है, इसको भी हम लिखेंगे। इधर 4 के बाद आता है 5, लेकिन 5 तो इधर भी मौजूद है, तो इधर से 5 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह ये 3 भी कैंसिल हो गया था। 5 के बाद इधर आता है 6, यानी ये वाले नंबर्स आपने उसमें से काट देने हैं और बाकी लिख देने हैं। 6 इसमें नहीं है, इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद 7 मौजूद है तो वो कैंसिल हो जाएगा, 8 वो लिख लेंगे, 9 कैंसिल हो जाएगा। 9 के बाद देखें, 9 के बाद 10 11 12 13 14 इस तरह कहाँ तक जाएगा? 20 तक। तो 8 के बाद 9, फिर इस तरह कहाँ गया? 20 तक। 20 तक लिख लिया हमने। अब 21 इधर आएगा तो इधर से 21 और ये 21 कैंसिल हो गया। फिर इधर 22 आता है, इधर 22 मौजूद नहीं है तो हम इधर लिख लेंगे। 22 के बाद इधर 23, उधर मौजूद नहीं है तो हम इधर फिर लिखेंगे। ये कैंसिल हो गया था ना इधर 21 से। और फिर 23 के बाद 24 आता है यहाँ पे, तो वो इधर भी मौजूद है तो ये कैंसिल हो गया 24। फिर इधर 25 है तो इसको लिख लिया हमने। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाले नंबर्स हमने इस सेट में से निकाल दिए और जो बचे थे वो हमने इधर लिख दिए। बस ये हमारा था ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपका क्वेश्चन था ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका आपने ए के साथ यूनियन ले लेना, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए का सेट आपके पास ये रहा 13 5 7 9 21 24 ये आपके पास ए का सेट है। उसके बाद यूनियन के सिंबल आ गया, आपने यूनियन के सिंबल डालनी है। आगे क्या? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये आया, ये सेट आपने इधर लिख देना है 0 2 4 6 8 9 इस तरह चल रहा है 20 तक। फिर 22 ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22। उसके बाद 23 24 और 25 ये जी, ये हमने इसको लिख दिया। यानी ये ए का सेट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। और यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख देना आपने। तो सबसे छोटा नंबर देखें दोनों सेट में कौन सा है, ज़ीरो। ठीक है, सबसे छोटा नंबर ज़ीरो है, तो ज़ीरो से आप स्टार्ट करेंगे। इसका फिर ज़ीरो, उसके बाद वन आता है वो ये रहा। इस तरह आपने सबको लिख देना यूनिट में एक तरतीब से। टू आता है, टू ये रहा। उसके बाद थ्री आता है, वो ये रहा। उसके बाद फोर आता है, वो उधर है। फोर के बाद फाइव आता है, वो ये है। उसके बाद सिक्स आता है, वो इधर मौजूद है। सेवन इधर मौजूद है। इस तरह आपने सबको इकट्ठा करके लिख देना है। और ये आप देख सकते हैं, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के बाद आता है सिक्स, वो इधर मौजूद था तो हम सिक्स लिखेंगे। तो ये एक काउंटिंग चल रही है। ठीक है, और ये कहाँ तक चलेगी, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर 24 है, यहाँ पे 25 है, तो हम 25 तक करेंगे। तो इस तरह आपने ऐसे डोटी डाल के 25 कर देना। यानी अब आप इस सेट को देखें, जीरो से लेके 1 2 3 यानी जीरो से कहाँ तक है, 25 तक। तो अब हमने यही प्रूव करना था ना कि ये यू के सेट के इक्वल है। और यू का सेट आपका ये वाला, जीरो से लेके 25 तक। ठीक है, तो वो भी यही है, जीरो से लेके 25 तक। तो आप इसको लिख दें इस तरह, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह प्रूव कर दिया। ये था जी हमारा पार्ट 1, ये आप नोट करें। अब हम इसका जो पार्ट 2 है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 2, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो हम इसका पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट आ गया, कॉम्प्लीमेंट जब भी आए u माइनस आगे जो सेट होगा उसको आपने लिख देना है a। अब इधर u का सेट, आपके पास 0 1 2 3 इस तरह 25 तक है। उसके बाद माइनस a, माइनस a का सेट आपके पास ये है 1 3 5 7 9 21 24 ये। अब आपने ये वाले नंबर्स इसमें से माइनस कर देना है कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो क्या बच जाएंगे, 0 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 आ गया। उसके बाद 3 वो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 आ गया। उसके बाद 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ गया। 6 के बाद 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 आ गया। 8 के बाद 9 कैंसिल, 9 के बाद 10 आ गया। 10 के बाद 11, फिर इस तरह कहाँ तक जाएगा, 20 तक। और फिर 21 कैंसिल, 22 आ जाएगा। और 23 भी आ जाएगा, और फिर 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपने इसका ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, u माइनस ए। यू का सेट आपके पास ये था और ए का सेट ये था। आपने इसमें से ये नंबर्स निकाल दिए तो आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। 0 2 4 6 8 10 11 फिर 12 13 14 इस तरह 20 तक, फिर 22 23 और 25 ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए का सेट आपके पास 1 3 5 7 9 5 7 9 21 24 ये आ गया। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेना आपने इससे, 0 2 4 6 8 10 11 ये कहाँ तक जा रहा है, 20 तक, 22 23 25 ले जी। अब आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन में आपके पास जो चीज़ इसमें भी हो और इसमें भी हो उसको आपने लिखना है। ठीक है, जो कॉमन हो। अब देखें 1 इधर है लेकिन 1 उधर नहीं है, तो हम इंटरसेक्शन में इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ गया 3 3 इधर मौजूद है लेकिन इधर नहीं है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 5 है, 5 भी नहीं है। यानी ये वो नंबर्स हैं आपके पास जी, ये वो नंबर्स हैं आपके पास 1 3 5 7 9 21 24 जो कि इसमें नहीं है। इंटरसेक्शन में तो हम देखते हैं ना, जो कॉमन हो, इसमें भी हो इसमें भी हो उसको लिखते हैं। लेकिन ये वाले नंबर्स, इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इसमें मौजूद हो, तो फिर आपका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी, कि कोई नंबर नहीं है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और 5, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर इसके इक्वल आ गया। तो आप इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास इसका आंसर। तो ये था इसका पार्ट 2, ये आप नोट करें। आगे हम इसका पार्ट 3 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 3, B यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। इसको आपने वेरीफाई करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट लेके फिर जो इसका आंसर आएगा उसका B के साइड से यूनियन ले लेना, तो आपका U के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, B का कॉम्प्लीमेंट U माइनस B, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जब भी आए आपने U माइनस कर देना और इधर जो सेट होगा वो आगे लिख देना। अब ये U है, U का सेट आपके पास ये है, उसको मेंशन करें। उसके बाद माइनस B का सेट, B आपके पास ये है 5, 10, 15, 20, 25। जी, इसको आपने माइनस कर देना, यानी इसमें से आपने इन नंबर्स को काट देना और जो बाकी बचेंगे उनको लिख लेना। बाकी फिर क्या बचेगा आपके पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर 6, उसके बाद 8, 9, 10 कैंसिल हो जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15 कैंसिल हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, 21, 22, 23, 24 और 25 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास B का कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। क्वेश्चन आपका था B यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये आपने फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले आप B का सेट लिखेंगे। B का सेट आपके पास 5, 10, 15, 20 और 25 ये। उसके बाद यूनियन, यूनियन आगे B का कॉम्प्लीमेंट है, तो B का कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये आया हुआ है। तो आप इस सेट को सेम जैसे ये लिखा हुआ है एज इट इज़ लिख देंगे, 0, 1 इस तरह, ये कहाँ तक है 4 तक, फिर 6, 8 इस तरह, ये 6 और इधर 7 भी आएगा, 6, 7, 8, 6 और 7 इस तरह, ये 9 तक और फिर 10 कट जाएगा, 11, 12 और ये 14 तक और 16 से 19 तक और उसके बाद फिर 21 से 24 तक। यानी इसमें मैंने जस्ट ये वाला सेट लिखा है, ये B था, B का सेट यूनियन, यूनियन डाल दिया B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये निकला था, B कॉम्प्लीमेंट ये वाला सेट, तो इसको मैंने इधर लिख लिया। अब आपने इसका यूनियन लेना है। यूनियन में हम सबको इकट्ठा करके लिखते होते हैं, तो सबसे छोटा 0 ये आ गया, ये है 4 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। यूनियन में हम सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखते हैं। जब आप इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो आपके पास ये काउंटिंग चलेगी 25 तक। तो आप देख सकते हैं ये सेट किसके बराबर है, U के सेट के। तो हमने यही तो प्रूव करना था कि ये बराबर है U के। तो आप इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर और आपने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 8 है और जो इससे प्रीवियस पार्ट्स हैं 4, 5, 6 और 7 वो भी सेम इसी तरह ही हैं। जैसे आपने इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स समझे वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका पार्ट 8 सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। D इंटरसेक्शन D का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना और आपका आंसर क्या आना चाहिए, एम्प्टी। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लेंगे किसका, D का। तो आप लिखेंगे D कॉम्प्लीमेंट और इसको कैसे लिख सकते हैं, U माइनस D। तो U का सेट 0, 1, 2, 3 कहाँ तक है ये 25 तक और माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस लिख दिया। आगे D का सेट है, D का सेट आपके पास ये है, इसको आप लिखेंगे 15, 16, 18, 21, 24, 25 ले जी। अब आप इसमें से इसको माइनस कर देना, यानी ये वाले नंबर्स इसमें से निकाल देने हैं। तो आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो जाएगा, 0, 1, 2 ठीक है। ये 15 से पहले पहले आप लिख देंगे यहाँ पे 14, ठीक है। 15 इधर आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इस तरह 16 भी कैंसिल हो गया उसके बाद 17 वो इधर नहीं है तो आप इधर लिख लेंगे। उसके बाद 18 भी कैंसिल हो गया, 18 के बाद आता है 19 वो नहीं है इधर लिख लेंगे। फिर 20, फिर 21 कैंसिल हो जाएगा, 22 आएगा वो आप लिख लेंगे। 22 के बाद 23 और 24 और 25 इधर से कैंसिल हो जाएंगे। ये मैं आपको फिर स्टेप रिपीट कर देता हूँ। यानी ये हमारे पास थे 0 से लेके 25 तक नंबर, ठीक है। हमने इन नंबर्स को माइनस करना था, तो जब हमने 0 से लेके 25 तक काउंटिंग की, जहाँ जहाँ ये नंबर्स आ रहे थे उसको हमने नहीं लिखा, ठीक है। उनके अलावा जितने भी नंबर्स थे वो हमने इधर लिख दिए। तो ये हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो गया। अब क्वेश्चन में डी इंटरसेक्शन डी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो पहले डी का सेट लिखेंगे। डी का सेट आपके पास ये रहा 15, 16, 18, 21, 24, 25 ये। उसके बाद इंटरसेक्शन डी का कॉम्प्लीमेंट जो कि आपके पास ये सेट आया, डी का कॉम्प्लीमेंट 0 से लेके 14 तक, 0, 1, 2 इस तरह 14 तक। उसके बाद 17, 19, 20, 22, 23 जी ये हमने लिख दिया। अब आपने इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में वो हम लेते हैं जो इसमें भी मौजूद हो इसमें भी मौजूद हो, यानी दोनों में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं कॉमन तो इसमें कोई भी नहीं आ रहा, यानी ये जो नंबर्स हैं वो इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो कॉमन इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इस तरह ब्रैकेट डाल के उसको खाली छोड़ देंगे कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया। यहाँ चाहे आप ऐसे लिख लें या ये सिंबल डाल दें, एक ही बात है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये 5 के सिंबल गिवन है, तो आप इसको इस तरह मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.10 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेरीफाई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपने वेरीफाई करना है, इसको साबित करना है कि ये चीज़ इसके बराबर है, यानी इसका आंसर और इसका आंसर सेम है। एंड और फिर आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये आपने प्रूव करना है। इसको हम डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं। डी मॉर्गन लॉ के 2 कानून है, एक ये है आपके पास, एक ये है, ठीक है। इसको डी मॉर्गन लॉ भी बोला जाता है। तो इसको आपने प्रूव करना है, तो उसके लिए उसने आपको क्वेश्चन में यू का सेट भी गिवन दे दिया है और ए का भी है और बी का भी है। ये इसका हम पार्ट 1 कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें सॉल्व करना है, ठीक है, यानी प्रूव करना आपने। तो पहले हम इसमें प्रूव करेंगे, इस साइड को लेंगे। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमें इनको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम इस साइड को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो कि ए यूनियन बी उसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी लेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी लेंगे, तो ए यूनियन बी, पहले ए का सेट जो कि आपके पास 179 है और यूनियन बी का सेट जो कि ये है 24791215 जी। इसका आपने यूनियन ले लेना और यूनियन में हम सबको इकट्ठा करके एक तरतीब से लिख देते होते हैं। तो इसका क्या आ जाता है, यूनियन 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 3 नहीं है किसी में भी तो उसको आप नहीं लिखेंगे। फिर 4 आता है, 4, इस तरह आपने एक तरतीब से सबको इकट्ठा करके लिख देना है। 4 के बाद 5 आता है, वो कहीं भी नहीं है। उसके बाद 6 आता है, वो भी कहीं नहीं है। उसके बाद 7 आता है, वो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन आप उसको एक बार लिखेंगे। 7 के बाद 8 आता है, वो नहीं है हमारे पास। 8 के बाद 9 आता है, वो ये रहा, इसमें भी है, तो आप इसको एक बार लिखेंगे। 9 के बाद 10 है, वो नहीं है। 10 के बाद 11, वो भी नहीं है। 11 के बाद 12, वो ये रहा, इसको आप लिख देंगे। 12 के बाद 13 नहीं है। 14 वो भी नहीं है। 15 ये रहा, इसको आप लिख देंगे। इस तरह आपने सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख देना है। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। क्वेश्चन था आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी तो आ गया, अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेते हैं, साइन को कैसे सॉल्व करना है, जब भी ये कॉम्प्लीमेंट का साइन आए आपने यू माइनस करके आगे जो इधर चीज़ होगी वो लिख देनी है, ए यूनियन बी, सिंपल, ठीक है। अब इधर यू का सेट आपके पास ये रहा 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 20 तक। उसके बाद माइनस करना आपने ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये ए यूनियन बी इसके बराबर है, तो आप इसको लिख देंगे 1 2 4 7 9 12 15, ये हमने लिख दिया। अब आपने माइनस करना है, ये जो सेट है आपके पास ये 1 से लेके 20 तक है, तो माइनस करने आपने ये नंबर्स, यानी ये नंबर्स आपने काट देने हैं और जो बचेंगे वो लिख देने हैं। तो क्या बचेंगे हमारे पास, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से हो जाएगा, 3 बच जाएगा, उसके बाद 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 बच जाएगा, फिर 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा, 11 भी बच जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 13 बच जाएगा और 14 भी बच जाएगा, 15 कैंसिल हो जाएगा तो 16 बच जाएगा और फिर 17 18 19 20। ये जी ये आपके पास क्या आया है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ये आपकी ये चीज़ सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम आते हैं राइट हैंड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या, लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी ये थी ना ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और राइट हैंड साइड आपकी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे और जो दोनों का आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के साइन को ख़त्म करने के लिए यू माइनस, आगे जो इधर सेट होगा वो लिख देना ए। ठीक है, इधर यू का सेट आपके पास क्या है, यू का सेट 1 2 3 इस तरह कहाँ तक है, 20 तक, और माइनस ए का सेट कर देना। ए का सेट आपके पास ये रहा 1 7 9, तो इधर आप लिख देंगे 1 7 और 9। ठीक हो गया। अब आपने इसमें से ये नंबर काट देने हैं और बाकी लिख लेने हैं। 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया, इस तरह ये 6 तक जाएगा, 2 3 6, उसके बाद 7 आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा इससे, या आप इनको चलें ऐसे कर लें, 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 के बाद 8, फिर 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 के बाद 10, फिर 11, इस तरह कहाँ तक जाएगा, 20 तक। ठीक हो गया, यानी इसमें हमने 1 7 और 9 ये नंबर माइनस करने थे, वो हमने कर दिए हैं और जो बचे थे वो हमने इधर लिख दिए हैं, 2 3, फिर 3 के बाद 4 5, फिर 6 8 10 11, इस तरह ही हमने लिख दिए। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट के साइन को ख़त्म करने के लिए यू माइनस बी। अब यू का सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 20 तक, ये लिख दिया, माइनस बी का सेट ये रहा 2 4 7 9, 12 और 15, ये आपने इधर मेंशन कर दिया। अब आपने इसमें से ये नंबर काट देने हैं और जो बाकी बचेंगे वो लिख लेने हैं। 1 2 कैंसिल हो गया उधर से, 3 4 कैंसिल हो गया, तो 5, फिर 6 7 कैंसिल हो गया, 8 9 कैंसिल हो गया, 10 11 12 कैंसिल हो गया, 13 14 15 कैंसिल हो गया, 16 17, इस तरह ये 20 तक। ठीक हो गया, ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये ए कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपने दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन ले लेना। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास ये आया। ठीक है, इसको आप मेंशन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को, 2 3, उसके बाद ये 6 तक है, 8 10 11, ये कहाँ तक है, 20 तक। ठीक है, और इसका आपने लेना जी इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास ये आया है 1 2 3, ये वाला 1 3 5 6, इसको आप लिखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 3 5 6 8 10 11 13 14 16 1720 ये मैंने जी लिख दिया। अब आपने इसमें से इंटरसेक्शन लेना है जो कॉमन होगा, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, वो आपका इसका फाइनल आंसर है। तो इसका आंसर मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये तो हो गया ना इसका आंसर। ले जी इंटरसेक्शन देखना है 2, 3। अब देखें 2 इधर है, नीचे वाले सेट में नहीं है, तो आप इंटरसेक्शन में उसको नहीं लिखेंगे। पहले आप इधर लिख लें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब 2 तो नहीं आएगा, उसके बाद 3 है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो आप इसको लिख देंगे 3। उसके बाद यहाँ आता है 4, लेकिन 4 नीचे नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। आगे आता है 5, 5 तो नीचे भी है तो आप 5 लिख देंगे। उसके बाद है 6, ये रहा, लेकिन 6 नीचे भी है तो इंटरसेक्शन में आप कॉमन देखते होते हैं। उसके बाद 8, यानी ये इस तरह आपने देखना जो कॉमन होगा मैं इधर वो मैंशन कर रहा हूँ, तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाले नंबर्स, यानी ये जो हमारा आंसर आया था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये आंसर और ये आंसर सेम है। तो हमने इसको प्रूव भी कर दिया। ये इसको डी मॉर्गन लॉ भी बोलते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब आपको क्वेश्चन में क्या था, ये था इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आगे एंड, इसको भी आपने प्रूव करना है, वो भी इसके जरिए, ए सेट ये है बी सेट ये है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये आप खुद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें सबसे पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, और फिर जो उसका आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, यानी उसको यू में से माइनस कर देंगे। फिर इसमें ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और दोनों के आंसर का यूनियन, इसमें तो हमने इंटरसेक्शन लिया ना, ये इसमें हम यूनियन ले लेंगे, ठीक है। तो बस ये है इसमें, तो ये वाला पार्ट आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा इसका पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये आप नोट करें, आगे हम इसके जो अगले पार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 2, इसको भी आपने सॉल्व करना है। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया, अब पार्ट 2 में आपको इस पार्ट को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला तो सेम उसी तरह ही था, बस उसने वैल्यूज चेंज की हैं, तो इस पार्ट को आप खुद भी इन सेट के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये पार्ट करवाने लगा हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे। वो है जी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो क्या है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। ए का सेट आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 और इंटरसेक्शन बी का सेट 11, 12, 13, 14, 15 और 16। जी इसका आपने इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन में वो लेना है आपने जो दोनों में कॉमन हो, यानी इसमें भी मौजूद हो इसमें भी मौजूद हो। इसमें 2 है लेकिन उसमें 2 नहीं है, तो इसमें 4 है, यानी ये जो नंबर्स हैं इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इसमें मौजूद हो, ठीक है। तो एम्प्टी सेट आएगा फिर, यानी कोई नंबर हमारा इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं आया, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्वेश्चन था आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लीमेंट आया, जब भी कॉम्प्लीमेंट आए आपने यू माइनस करके आगे जो सेट होगा वो लिख देना है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का उसूल है। तो अब इधर यू का सेट आ रहा है, यू का सेट लिखें, यू का सेट आपके पास क्या है 1, 2, 3 से 20 तक, और माइनस करना है आपने जी ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमने लिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है एम्प्टी, तो ये एम्प्टी आ गया। अब आपने इसमें से इसको माइनस कर देना, अब इसमें तो कुछ भी नहीं है तो माइनस तो फिर कुछ भी नहीं ना होगा, तो यही सेट आ जाएगा दोबारा 1, 2, 3 इस तरह ये 20 तक। और ये हमारा क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये थी जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और दोनों का आंसर का यूनियन। तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट जब भी आए यू माइनस, तो पहले यू का सेट, यू का सेट आपके पास क्या है, ऐसे लिखने ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू का सेट आपके पास 1 2 3 इस तरह ये 20 तक है, माइनस ए, ए का सेट 2 4 6 8 और 10। लें जी, अब आपने इसमें से इन नंबर्स को माइनस कर देना, तो आपके पास क्या नंबर बचेंगे, देखें ये 1 है, 1 उधर नहीं है, इसको आप लिख लेंगे। आगे 2 है, 2 इधर मौजूद है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वो आप नहीं लिखेंगे। 3 इधर है लेकिन उधर नहीं है तो इसको आप लिख लेंगे। इस तरह जो नंबर्स, ये वाले नंबर आपने इसमें से काट देने हैं और जो बचेंगे वो इधर लिख देना है। तो मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, लें जी ये मैंने लिख दी है कि 1 3 5 7 9 11 12 के बाद 13 14 15 इस तरह 20 तक। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप बी कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे कैसे, उसी तरह यू माइनस बी। U का सेट आपके पास 1 2 3 इस तरह 20 तक, माइनस बी का सेट ये रहा 11 12 13 14 15 और 16। लें जी, अब आपने इसमें से इन नंबर्स को माइनस कर देना है, आपके पास इसका b का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जब आप माइनस करेंगे 1 इधर है लेकिन उधर नहीं है, यानी 11 12 13 14 15 16 ये नंबर्स आपने इसमें से काट देने हैं और बाकी लिख लेना 1 2 3 इस तरह ये 10 तक जाएगा पहले, उसके बाद 11 कैंसिल हो जाएगा, 12 भी कैंसिल हो जाएगा, इस तरह 16 तक कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे क्या आएगा फिर 17 18 19 और 20। ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में क्या करना है आपने, क्वेश्चन आपका ये है, ये चीज़ तो हमने सॉल्व कर ली। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट कर लिया ये, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट भी कर लिया ये। अब इनका क्या करेंगे हम, यूनियन ले लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, ये 1 3 5 7 9 11 12 इस तरह ये 20 तक, और यूनियन, यूनियन का साइन डाला। आगे बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये आया, तो आप इधर लिखेंगे 1 2 3 10 तक, 1 2 3 ये 10 तक, उसके बाद 17 18 19 और 20। लें जी, अब आपने इसका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन में सबको इकट्ठा करके एक तरतीब से लिखा जाता है। तो ये 1 है, इसको आप लिखें 1, उसके बाद 2 आता है वो ये रहा, उसके बाद 3 आता है वो ये रहा। इस तरह आप सब में देखेंगे तो आपके पास 1 से लेके 20 तक सारे नंबर आ जाएंगे। तो आप 1 2 3 इस तरह 20 तक लिख देंगे। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड का आंसर ये है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ये है। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है। ये था इसका पार्ट 2 और इसको हमने सॉल्व किया। और जो ये पार्ट है ये भी सेम इसी तरह ही, इसमें सबसे पहले आप ए यूनियन बी लेंगे, उसका फिर होल कॉम्प्लीमेंट, और इसमें आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट और दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन। तो आपके पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। और जो इसके बाकी पार्ट्स हैं जैसे 3 और 4 वो भी सेम इसी तरह ही है, बस उसने ये वैल्यूज चेंज की हैं। तो वैल्यूज चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेथड आपको आना चाहिए तो आप इसको इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आ रही है, उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।